नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज के बारे में जिसके चर्चे में बहुत पहले एक बार किया था, मतलब बहुत पहले जब मैं स्टॉक मार्केट में पहले वीडियो बनाना स्टार्ट किया तब मैं इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना कर दिया था, क्योंकि एक दोस्त ने कमेंट किया था, उसके कमेंट के ऊपर ही वेब वीडियो बना था। तो आज भी बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनीज के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिएगा कि जो कंपनी की हालत अभी बहुत खराब है। एक टाइम कंपनी बहुत अच्छा खासा काम कर रहा था, हाई लेवल में था, करीबन करीबन 2,500 में चलने वाला कंपनी था, आज कितने पे मिला है? 250 में। क्या इसमें निवेश करना चाहिए? तो इसी तरीके से कुछ मैसेज मेरे सामने आए थे, तो इसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, कंपनी एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और कंपनी एक छोटा कंपनी है, तो इस कंपनी के ऊपर निवेश करना ना करना टोटली इन्फॉर्मेशन जानने के बाद आपके ऊपर, खुद के ऊपर डिसीजन होना चाहिए। तो चलो देख लेते आज के इस स्टॉक के बारे में। तो उससे उसको जानने से पहले मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहूंगा, और अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, सारे लिंक्स अवेलेबल नीचे आपको मिल जाएगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बता दूं, कंपनी एक आईटी सेक्टर है, एक आईटी सॉल्यूशन कंपनी है, सॉफ्टवेयर बनाने वाला कंपनीज है। कंपनी देखा जाए तो दो तरीके से आईटी सेक्टर होते हैं, एक लार्ज कैप टाइप, एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप। तो स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी जो है उसी के ऊपर आज के कंपनी शामिल है। तो कंपनी कौन सा है, चलो उसी के बारे में बात कर लेता हूँ। तो कंपनी का नाम है रैमको सिस्टम्स। तो रैमको सिस्टम देखा जाए तो इंडिया के सबसे छोटा एक कंपनी है, करीबन करीबन इसका मार्केट कैप 780 करोड़ के आसपास है। तो सोचिए अभी 1,000 करोड़ भी नहीं हुआ, तो फिर भी कहा जाता है कि 500 करोड़ के ऊपर अगर कोई भी कंपनी है उसके ऊपर ओब्वियसली स्टडी करना, तो उस कंपनी थोड़ा सा आज खराब सिचुएशन में हो सकता है, फ्यूचर में ज्यादा ग्रोथ होने का चांसेस रहता है। क्या इस कंपनी के ऊपर ग्रोथ फिर से होगा? क्योंकि एक टाइम कंपनी 2,500 के ऊपर चल रहा था, आज कंपनी आपको 250 रुपीज में बहुत शेयर आपको देने को लिए तैयार है। तो इतनी ज्यादा गिरावट हुआ है तो उसके पीछे काल मतलब क्या लॉजिक है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 1997 से, और कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। कंपनी का काम क्या है आप देख सकते हैं, एविएशन, जितने सारे एविएशन कंपनी है, मान के चले जितने सारे फाइटर जेट है, जितने सारे एयरलाइंस कंपनी है, तो उसका जो एविएशन कंपनी है उसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर से जो मतलब एयर एयरप्लेन चलते हैं, तो उसी सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन इसी कंपनी करते हैं। ईआरपी, तो ईआरपी क्या होते हैं, मान के चलिए आप सभी जानते हैं टैली, टैली आप सभी जानते हैं पॉपुलर एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो इस तरीके से टैली का ईआरपी है, इस तरीके से ईआरपी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाते हैं, मतलब जो सॉफ्टवेयर से कस्टमर काम कर सकते हैं उसी तरीके से सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। साथ ही साथ एचपीआर, साथ ही साथ लॉजिस्टिक सॉफ्टवेयर, तो इस तरीके से प्रोडक्ट वो कंपनी बनाते रहते हैं। तो कंपनी का टोटल जो बिजनेस है वो देखा जाए तो 35 कंट्रीज में कंपनी माल बेचते रहते हैं, इनमें से इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चेन्नई तमिलनाडु में, मतलब साउथ इंडिया बेसिस कंपनी है। तो ज्यादा से ज्यादा आईटी सेक्टर आपको साउथ इंडिया बेसिस देखने को मिलेगा। 28 लोकेशन में इस कंपनी मतलब काम करते हैं, जहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है उसके हिसाब से आप देखेंगे द कंपनी ऑफर्ड क्लाउड बेसिस, मोबाइल बेसिस, यहाँ पे देखिए कैटबोर्ड सॉरी चैट चैटबोर्ड एंड वॉइस रेडीज, ईआरपी, एचआर, ग्लोबल पेरोल्स, लॉजिस्टिक, ईएएम एंड एविएशन, एमएनई, एमआरओ सॉफ्टवेयर्स कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी के इंफॉर्मेशन का डिटेल्स में आपको हमेशा मैं दिखाता इसीलिए रहा हूँ क्योंकि कंपनी के बारे में जानकारी आपको हमेशा रहे। 1997 से कंपनी स्टार्ट हुआ था, मतलब कंपनी बहुत पुराना कंपनी है। तो इसका मतलब यही सोचना है कि इस तरीके से कंपनी का ग्रोथ ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि इतना पुराना कंपनी होने के नाते अराउंड अराउंड 30 ईयर्स के आसपास, अराउंड 30 ईयर्स के आसपास कंपनी हो चुके हैं। तो उस विशेष सॉरी 30 ईयर्स नहीं हुआ, अभी देखा जाए तो 26 ईयर्स के आसपास आप बोल सकते हैं। तो कंपनीज के ये था डिटेल्स, और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, रैमको ग्रुप। आप सभी जानते हैं रैमको एक सीमेंट कंपनी भी है, तो उसी ग्रुप के ही इस कंपनी आईटी सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। तो चलो अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात कर लेता हूँ। तो अभी देखना है कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या बोल रहा है। देखिए सबसे पहली बात मैं बता चुका हूँ, कंपनी सिर्फ रिक्सी नहीं, हाई रिक्सी कंपनी है, डबल हाई रिक्सी, मैं इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ।
तो इस तरीके से रिक्सी कंपनी है, मतलब हाई रिक्सी कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार नहीं चार चार बार सोचना, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप, सॉरी मार्केट प्राइस ठीक ठाक है, बुक वैल्यू भी चलो ठीक है, कंपनी का पी रेशियो अवेलेबल्स नहीं है, रिटर्न ऑफ इक्विटीज रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव में देखने को मिला, इसका पी रेशियो 33% के आसपास देखने को मिला, एनुअली इनकम भी माइनस में है, डेप्थ मतलब डेप्थ टू इक्विटीज के बारे में बात करो तो 0.29 के पास आसपास देखने को मिला, प्रोमोटर के जो होल्डिंग्स है 54.3% के आसपास इसका प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिला। इसका मतलब प्रोमोटर अच्छा खासा होल्डिंग तो यहाँ पे लेके रखा है, मगर कंपनी उस तरीके से सस्टेन नहीं करा पाया, कंटिन्यूसली कंपनी लॉसेस करते जा रहा है। इस लॉसेस के डेटा के आधार के हिसाब से मैं आपको अभी दिखाऊंगा, उससे पहले कंपनी का डेप्थ के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी का डेप्थ क्या है, वीकनेस में देखने को मिला, सॉरी कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी ठीक ठाक देखने को मिला, तो कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स भी ठीक है, मगर सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ बिग नेगेटिव में है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो कंपनी देखिए कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन करता है और मतलब पॉजिटिव में है, सिर्फ इसी बार कंपनी लॉसेस किया 73 करोड़ के आसपास, और अभी करंट जो पीएनएल दिखा रहा है मतलब नेक्स्ट ईयर का वो 163 करोड़ के आसपास यहाँ पे लॉस हो सकता है। तो इसका मतलब कंपनी अभी अच्छा खासा मोमेंटम में था, आईटी सेक्टर में जब गिरावट हुआ अमेरिकन के रिसेशन के कारण, इन्फ्लुएंसी रेट हाई होने के कारण, उसके चलते हुए इस तरीके से छोटे आईपीओ ज्यादा से ज्यादा पिटाई देखने को मिलता है। तो रिटर्न के मामले में शायद आपको बीच बीच में प्रॉफिट देखने को मिलेगा, मगर अच्छा खासा प्रॉफिट रेशियोज आपको 20 साल में नहीं दिया। तो यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कुछ पॉजिटिव नेगेटिविटी नहीं दिखा। तो यहाँ पे कर्जे के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो कर्जा है वो लगातार लगातार मतलब इंक्रीज तो पहले हो रहा था, थोड़ा सा अभी कम हुआ है। इसका मतलब इसका जो शॉर्ट टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग के हिसाब से कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी कर्जा नहीं लेकर रखा, अभी शॉर्ट टर्म के लिए 83 करोड़ के आसपास कर्जा है। तो उसके साथ कंपनी का यहाँ पे देखिए लेस लाइबिलिटीज भी है, वो लाइबिलिटीज भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो कुल मिलाकर दो ऐड होने के बाद 140 करोड़ के आसपास कर्जा है। कैश फ्लो के बारे में बात करूँ कंपनी कंटिन्यूअसली कैश फ्लो को पॉजिटिवली मेंटेन कर रहा है, इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ यही पे सब कुछ चेंज हो जाएगा, प्रोमोटर के पास चलो ठीक है अच्छा खासा होल्डिंग है, उसके बाद सबसे ज्यादा पब्लिक ने होल्डिंग उठा कर रखा, एफआईएस और डीएस के पास जो होल्डिंग है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, एफआईएस के पास जो होल्डिंग था वो माल बेचकर भाग गया, और डीएस के पास जो होल्डिंग था उससे 50% माल वो बेच दिया। तो इसका मतलब पड़े हुए कौन, पड़े हुए पब्लिक, पब्लिक तो पहले माल कम उठा के रखे थे, आज वो ज्यादा से ज्यादा माल उठा के रख चुके हैं। तो इस सारे पैरामीटर्स आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको जिस आईटी सेक्टर के ऊपर निवेश करना है, इतने सारे लोगों के मन में है कि 2,500 में चलने वाला कंपनी अभी आपको 250 में मिल रहा है, तो इस कंपनी फिर से अगर वो 2,500 तक चला गया तो मेरे फंड तो 10 गुना हो जाएगा, इस तरीके से सोच वो रखते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से सोच मत रखिएगा, इस कंपनी का हालत उतना खास नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, इसका चार्ट पैटर्न मैं आपको ध्यान से दिखाऊंगा, तो चार्ट पैटर्न ध्यान से देखना, मैं आपको सिर्फ परसेंटेज दिखाऊंगा। तो परसेंटेज के मामले में देखेंगे तो 5 5 दिनों में क्या पॉजिटिव था, 1 मंथ में क्या नेगेटिव में था, 6 मंथ में का 8% का लॉसेस था, 1 ईयर में कितना 46% कंपनी लॉसेस दिया, 5 साल में कितना 50% से भी ज्यादा लॉसेस दिया। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, इसका टॉप लेवल से लगातार जब से स्टार्ट हुआ तब से गिरावट हुआ था, 2015 से थोड़ा सा रिकवरी किए थे, फिर से क्रैश हो गया, फिर से रिकवरी किया, फिर से क्रैश हो गया, इसका मतलब ऊपर जाने का नाम ही नहीं रहा है, लगातार लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। तो इसका मैं एक डायरेक्ट आपको लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, जब कोविड की सिचुएशन आया था तब इसका प्राइस का कितने लेवल में आ गया था, करीबन 60 रुपीज के आसपास, वहां से कंपनी अच्छा खासा एक रैली दिखाया था क्योंकि इस टाइम में आईटी सेक्टर में बूम आया था, हर कोई आईटी सेक्टर कोविड के बाद अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न दे चुके थे। तो यहाँ पे 60 रुपीज से कंपनी कितने गया था 800 तक, इसका मतलब आपका फंड 10 से 12 गुना के ऊपर भी बना चुके थे। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग निवेश करके रखे, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट भी किए हैं सर मेरा इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट 550 में है तो मैं क्या करूँ। देखिए 550 से आपका फंड 50% लॉसेस में चल रहा है क्योंकि अभी 250 में चला है, मेरे हिसाब से इस तरीके से मेरे खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ, इस तरीके से कंपनी से दूरी रहिए। अगर आपको बाकी पैसा भी बचाना है, अगर बाकी पैसा भी आप सेफ जोन में रखना चाहते हैं तो मैं जरूर कहूंगा जितने पैसे बचे हैं उसको मतलब सेल आउट कर दीजिए, और उसके बाद
बाकी अच्छे खासा कंपनी के ऊपर निवेश करके वो पैसे से फिर से आप पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि सर ने बोला मैंने माल बेच दिया, बाद में अगर स्टॉक भाग जाएंगे तो कहेंगे सर आपने तो बोला था मैंने माल बेच दिया, अगर रख देता तो मेरा फंड डबल हो जाता। तो एक बार आप रिसर्च करना, खुद डेटा को एनालिसिस करना, आपको खुद पता चलेगा इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए। तो मेरे ओपिनियन है, मेरे पास अगर इस कंपनी का शेयर होता तो मैं कब का बेच देता। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, इसी तरीके से कंटिन्यूसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। नेक्स्ट नया स्टॉक लेके तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।